साथियों, आतंकवाद और अन्य विरोधी भारत गतिविधियों को बढ़ावा देकर पाकिस्तान भारत को तोड़ना चाहता है, मगर भारतीय सेनाओं ने 1971 में उसके मंसूबों को नाकाम किया था और अब आतंकवाद को भी जड़ से खत्म करने की दिशा में हमारी बहादुर सेना के जवानों के द्वारा यह काम चल रहा है। हम प्रत्यक्ष युद्ध में जीत दर्ज कर चुके हैं, परोक्ष युद्ध में हमारी ही विजय होगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, आज बदलते समय में हमारी तीनों सेनाओं के बीच ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। मैं समझता हूं कि 1971 का युद्ध इसका एक शानदार उदाहरण रहा है। इस युद्ध ने हमें एक साथ मिलकर योजना बनाने, प्रशिक्षित करने और लड़ने का महत्व समझाया। देवियों सज्जनों, हाल में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र में कई बड़े सुधार किए गए। सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की भी रचना की है। यह आयोजन और भी भव्य और दिव्य रूप में करने का निर्णय हुआ था, मगर देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के असामयिक निधन के बाद और साथ ही साथ उनकी धर्मपत्नी तथा 11 अन्य हमारे बहादुर जवानों के निधन के बाद इसे सादगी के साथ मनाने का निर्णय लिया गया। आज के अवसर पर मैं उन सभी को स्मरण करते हुए अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। एक हमारे और एयरफोर्स के अफसर ग्रुप कमांडर वरुण सिंह इसमें बंगलोर कमांड हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। मैं लगातार संपर्क में हूं और उनके पिताजी से भी हमारा लगातार संपर्क बना हुआ है। हम सभी ये प्रार्थना करते हैं वो जल्दी स्वस्थ होकर वो बाहर आए और अपने दायित्व का निर्वहन करें। जनरल रावत के निधन से एक बहादुर सैनिक, योग्य सलाहकार और जिंदादिल इंसान को खोया है। वे इस विजय पर्व के आयोजन को लेकर बेहद उत्साहित थे। कई बार इस कार्यक्रम के स्वरूप पर उन्होंने मुझसे व्यक्तिगत रूप से भी चर्चा की थी, इसलिए मुझे उनकी कमी काफी अधिक आज महसूस हो रही है।